तो मैंने लोगों की आंखों में टप टप बहते आंसू देखे हैं। वे तुमसे प्रभावित है कि वे रोते थे। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है नाना, और फिर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। नाना तुम जानते हो कि मेरे पास कॉलेज क्या स्कूल तक का भी कोई प्रमाण पत्र नहीं है, फिर भी देखो मुझसे श्रद्धा करने वाले हजारों लाखों लोग। ये क्यों नाना? ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म की रक्षा ही मेरा जीवन है। राम, बॉर्डर ये भी बता रहा था कि नौजवान तुम्हारी एक झलक पाने के लिए जेल के चक्कर लगाया करते हैं। ये सब गुरुजी का आशीर्वाद है, ये उन्हीं का दिखाया हुआ मार्ग है। गुरुजी ने मुझसे साफ शब्दों में कहा था कि हिंदू हितों की उपेक्षा करने वाला देश का शत्रु है, और शत्रु को मित्र कभी नहीं समझना चाहिए। दुख बस इस बात का है करकरे कि मैं अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सका। नाथूराम तुम दुख मत करो, भगवान तुम्हें अवसर देगा, न्याय होकर रहेगा। और अब तो गांधी ने कांग्रेस भी छोड़ दिया है, सत्ता से दूर हो गया है, और उसका पहले जैसा स्थान नहीं रहा। तो नाना कुछ हो या ना हो, पर ये गांधी भारत विभाजन का अपराधी है और रहेगा। और भारत विभाजन को तुम क्या समझते हो नाना? नाना ये हमारी आस्था धर्म और इतिहास का विभाजन है। और सुनो, विभाजन के बाद असंख्य हिंदुओं की हत्या करने वाले और बाकी हिंदुओं को वहां से भगाने वाले मुसलमानों से इस गांधी सरकार ने क्या कहा? आप लौट आइए। देखिए हमारा देश तो धर्म निरपेक्ष है, आप हमसे कैसा भी व्यवहार क्यों ना करें, लेकिन हम तो आपसे भला ही व्यवहार करेंगे। आपको मारने के लिए यदि कोई हाथ उठाएगा तो उसका नाश करने के लिए हमने पूरी सेना को तैयार कर लिया है। हमारी बंदूक आपके ऊपर कभी नहीं तनेगी, उससे तो हिंसा होने का भय है ना। सही कहा नाथूराम, तूने सही कहा। और गुरुजी इसी को तो मुस्लिम तुष्टिकरण कहते हैं। ठीक कहते हो नाना, पर नाना अब इतिहास का चक्र घूम चुका है। डियर बाबू आप कैसे हैं? आप इतनी दूर चले गए कि खत या तार तक आपके प्रयोग आश्रम में देर से पहुंचते हैं। बाबू ने हमें बताया था कि आपने टेलीफोन लाइन लगाने की इजाजत नहीं दी है। इस बात पर हैरान था क्योंकि इससे पहले आपने जितने आश्रम बनवाए थे वहां टेलीफोन था। बहरहाल मुझे ही नहीं पूरे मुल्क को आपकी कमी घटती रहती है। आप हमेशा हमारे लिए इंस्पिरेशन का सोर्स रहे हैं और आपके मशवरे से हम सभी ने अच्छा काम किया है। आप बिहार में जो कर रहे हैं उसकी जानकारी श्री बाबू से मिलती रहती है। मुझे बताया गया है कि पंचायतें बहुत एक्टिव हो गई हैं और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा काम संभाल लिया है। ये खुशी की बात है कि जनता अपने ऊपर खुद हुकूमत कर रही है, अपने गांव के लोगों को जोड़कर डेवलपमेंट के जो काम किए हैं उसकी भी मुझे पूरी खबर है। हम चाहते थे कि पिछले साल आप प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में आते, लेकिन किसी वजह से आप नहीं आ पाए। अब इस साल जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें हम सब आपकी मदद चाहते हैं। जवाहर की चिट्ठी लेकर तुम इतनी दूर क्यों आए श्री बाबू? किसी के हाथ भिजवा दी होती? बापू मैं भी आपके दर्शन करना चाहता, कई साल हो गए थे आपको देखे, फिर पंडित जी की सख्त हिदायत थी कि चिट्ठी आपके हाथ में ही दी जाए। चलो आ गए तो अच्छा है, तुम्हें देखकर चंपारण आंदोलन की याद आ गई मुझे। बापू मुझे तो उससे पहले की बातें याद आ गई। 1916 में बनारस के हिंदू कॉलेज में आपका वो भाषण। बहुत समय बीत गया उस बात को श्री बाबू, बहुत दूर निकल आया है। खैर ये बताओ और कुछ कहा है जवाहर ने मेरे लिए? जी उन्होंने चुनाव में सहयोग देने की अपील की। देखो कांग्रेस को सहयोग देने की बात तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम जानते हो मैं कांग्रेस के पक्ष में ही नहीं हूँ। बाबू आप जानते हैं मैं भी कई मुद्दों पर अलग ढंग से सोचता हूँ। पंडित जी से चिट्ठी पत्री तो होती रहती है, लेकिन आज के समय में देश में एक मजबूत सरकार जरूरी है, और ऐसे हालात में आपका समर्थन हमें मिलना ही चाहिए। देखो जहां तक सरकार की बात है, यहां पर यानी इन चार क्षेत्रों में सरकार बन चुकी है। सरकार बन चुकी है? वो कैसे? चुनाव होने में तो अभी 3 महीने हैं। लेकिन यहां पर चुनाव हो चुके हैं। बापू मैं संसद के चुनाव की बात कर रहा हूँ। मैं भी संसद के ही चुनाव की बात कर रहा हूँ श्री बाबू। लेकिन वो तो अगले साल अप्रैल में होने हैं। यहाँ चुनाव हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, और ये है यहाँ का प्रधानमंत्री बावन दास। बापू एक देश में 2 सरकारें कैसे हो सकती हैं? एक देश में 10 सरकारें भी हो सकती हैं, उसमें क्या समस्या है?
तुम लोग अपना काम करो और दूसरों को उनका काम करने दो। बापू, एक देश में अगर दो सरकारें होंगी तो क्या आपस में उनकी टक्कर नहीं होगी? सरकारें टकराने के लिए नहीं बनती हैं श्री बाबू। अफसोस कि हमारे देश के नेता ये बात नहीं समझते। खैर वो सब छोड़ो, बावन दास आज तुम्हारे मंत्री क्या काम कर रहे हैं? अभी तो सब कुआ खोद रहा है, 50 गाँव में 100 कुआ खोदने को है। ये श्री बाबू हैं, इन्हें पहचानते हो? अच्छी तरह से चिंता है, इनके साथ तो हम जेल भी जा चुके हैं और सेवा दल में भी तो रह चुके हैं। ये सब तुम्हारे ही लोग हैं श्री बाबू। बाबू, आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि अब हम क्या करें? जवाहर से कह दो कि तुम्हारे इन चार क्षेत्रों में चुनाव हो गए हैं और सरकार भी बन गई है, उसकी सरकार से अपील है कि वो हमारा सहयोग करे। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश वाले जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। सुषमा ने गांधी जी से माफी तो मांग ली थी, लेकिन इश्क के तूफान को रोकना तो खतेरी पर सरसों जमाने जैसा। सुषमा रात दिन नवीन की याद में तड़पने लगी और एक दिन उसने अपना दिल लिफाफे में बंद कर दिया। अब चिट्ठियां आश्रम के पते पर नहीं बल्कि किसी और पते पर आती जाती थी। और फिर एक दिन अपने माथे पर डाक टिकट चिपका कर नवीन प्रयोग आश्रम के पीछे वाले जंगल में पहुंच गया। सुषमा, अब ये और बर्दाश्त नहीं होता। मैं क्या करूं नवीन, उलझन से मेरा भी दम निकला जाता है। मैं बाबू को नहीं छोड़ सकती, मैं बचपन से उनके सपने देखते देखते यहाँ तक पहुंची हूँ, नहीं छोड़ सकती। और तुम मेरा प्यार हो नवीन। सुषमा, तुम जो बोलो जो कहो सब ठीक, पर क्या तुम किसी तरह बापू को समझा नहीं सकती? सुषमा, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। बापू को सब पता चल गया है, अब उनसे बात करने का उल्टा ही मतलब होगा। क्या पता चल गया है? यही कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे तो कौन सा पाप किया है हमने? बापू आदमी और औरत के प्यार को पाप मानते हैं, विकार मानते हैं, वासना है ये उनके लिए। इसका मतलब दुनिया में आज तक जिन भी लोगों ने प्यार किया है उनका संबंध वासना, विकार और पाप था। ये कैसे हो सकता है सुषमा, कैसे? क्या करूं नवीन, खुद समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है लड़की, मैं जान गया हूँ। तू चली जा इस नवीन के साथ, तुम्हारे लिए अब इस प्रयोग आश्रम में और जगह नहीं है। बापू मुझे माफ कर दीजिए बापू। तू जानती है कि मैं ब्रह्मचर्य का उपासक हूँ, उसके बाद भी तू अपने बिस्तर पर सांप देखकर खामोश रही। महात्मा जी, जो काम आप खुद ना कर सके उसकी तालीम दूसरों को क्यों दे रहे हैं? तुमसे तो मैं बात भी नहीं करना चाहता, तुम तो मेरे आश्रम में आए एक चोर के बराबर हो। हम तो सारी जगह में आपको ढूंढ रहा था, इसी रात में ऐसी जगह में आप काहे को आ गए? अरे तू कब आया रे, यहाँ क्या कर रहा है? चल अंदर चल। बहुत मजबूरी में ही मैंने तुम्हारे लिए चोर जैसे भारी शब्द का प्रयोग किया है नवीन, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरे सिद्धांत हैं, मेरे आदर्श हैं। निर्मला, ये आधी रात को छुप कर सुषमा से मिलने आया था, इसके मन में विकार है। सुषमा से मिलने तुम्हारे घर भी आता था, विकार कैसा बापू? स्त्री और पुरुष को एकांत में नहीं मिलना चाहिए। क्यों? मन में विकार आता है, पाप की ओर आकर्षण पैदा होता है। जब मैं तुझसे मिलने आती हूँ तो क्या तेरे और मेरे मन में विकार है, पाप है? नहीं, लेकिन अकेले मिलने में है, ये दोनों अकेले में मिल रहे थे। रे बाबू, जिस सब साधु संत हो जावेंगे तो संसार कैसे चलेगा? निर्मला, संसार चलाना परमात्मा का काम है, परमात्मा के काम में हमें दखल नहीं देना चाहिए। पर बाबू, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तुम्हारा प्रेम वासना के अलावा और कुछ नहीं है नवीन, और यदि तुम जानना चाहते हो कि सच्चा प्रेम क्या है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सच्चे प्रेम का अर्थ है त्याग और आध्यात्मिकता। सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति वही है जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया। दोनों बच्चे शादी करना चाहते हैं। मेरी समस्या विवाह से नहीं है, पर विवाह का अर्थ तो समझो। विवाह का अर्थ है अखंड आदर्श ब्रह्मचर्य, वही आदर्श विवाह है। महात्मा होके तू कैसी बातें करे, उल्टी गंगा बहा रहे हैं। ऋषि मुनि साधु संत प्रेम ना करे ठीक है, भगवान से नो लगाए वो भी ठीक, अब आदमी और औरत एक दूसरे के लिए ना बने तो क्या आदमी और जानवर एक दूसरे के लिए बने हैं? बापू,
क्या आप मुझे आश्रम में रहने की अनुमति नहीं दे सकते? नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। कीमत? तुम्हें सुषमा को अपनी सगी बहन मानना होगा और सुषमा तुम्हें अपना सगा भाई स्वीकार करेगी। तुम लोग अकेले में नहीं मिलोगे, बात नहीं करोगे, कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं होनी चाहिए। लड़कियों के लिए अखंड आदर्श ब्रह्मचर्य होना चाहिए, उसी में आदर्श विवाह समाया हुआ है। बापू, ये जानते हुए कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? अब और बहस करने का कोई लाभ नहीं होगा नवीन, मैं अपनी बात पर अटल था और अटल रहूंगा। ठीक है बापू, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। देवदास और लक्ष्मी को आपका आशीर्वाद मिल सकता है, पर मुझे नहीं, क्योंकि वो आपका पुत्र है, मैं नहीं। मैं जा रहा हूँ। ठहरो, अपना उत्तर सुनते जाओ। मैं नहीं चाहता कि प्रयोग आश्रम से कोई निराश लौटे। देवदास और लक्ष्मी ने प्रेम के लिए त्याग किया था। बोलो, तुम कर सकते हो 5 वर्ष तक प्रतीक्षा? 5 साल नहीं बापू, 50 साल कर सकता हूँ। और अब मैं यहाँ तभी आऊंगा जब आप मुझे बुलाएंगे। मुझे माफ कर देना सुषमा। प्रयोग आश्रम में सुलगाई गई चिंगारी ने आसपास के 25 गांवों को अपनी आग में समेट लिया। पहली बार लोगों ने अपने को पहचाना, पहली बार अपनी ताकत पर विश्वास किया, पहली बार अपने लिए लक्ष्य बनाए और उन्हें पूरा किया, पहली बार किसी दूसरी व्यवस्था से सुरक्षा, न्याय और सहायता की मांग नहीं। ये कोई छोटी बात नहीं। गांव के पटवारियों, चौकीदारों से होती हवा की यह बात जिले और कमिश्नरी और राज्य सरकार से होती सीधे दिल्ली पहुंची और स्वतंत्र भारत की राजधानी में इस पर विचार हुआ कि देश में एक ऐसा हिस्सा है जो सरकार से कुछ नहीं मांगता और यह बहुत ही खतरनाक माना गया। संविधान का हवाला देते हुए दिल्ली से जो चिट्ठियां गांधी के पास पहुंची उसके जवाब में गांधी ने लिखा कि यहां स्वराज है जो यहां के लोगों ने खुद बनाया। महात्मा, क्या आप नहीं मानते कि जो आप कर रहे हैं वो देशद्रोह है? देश के लोग कभी अपने देश से विद्रोह नहीं करते। आप देश के कानून को क्यों नहीं मानना चाहते? कानून लोगों के लिए होता है, लोग कानून के लिए नहीं होते। क्या आपका ये कहना है कि कानून जनहित नहीं है? कानून अपना हित अच्छी तरह जानता है और जनता अपना हित अच्छी तरह जानती है। महात्मा जी, ये सुनने में आया है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपका इसके बारे में क्या सोचना है? देखिए, इस बारे में सोचने का समय नहीं है मेरे पास, और वैसे भी मैं तो मानता हूँ कि कभी किसी को गिरफ्तार किया ही नहीं जा सकता। आपने कहा कि जल, जंगल, जमीन पर जनता का उतना ही अधिकार है जितना अपनी जीभ पर, इसका क्या मतलब है? देखिए, जैसे कि जीभ हर किसी की अपनी होती है, उस पर किसी और का अधिकार नहीं होता, वैसे ही जल, जंगल और जमीन ये लोगों के लिए, इन पर सिर्फ और सिर्फ लोगों का अधिकार होना चाहिए। महात्मा जी, कुल मिलाकर आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जल, जंगल और जमीन जैसी जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, इन पर एक निजी काबू होना चाहिए। ये किसी सरकार या नेता के लिए नहीं है, इन पर लोगों का हक है और सिर्फ लोगों का ही हक होना चाहिए। प्यारे लाल, तुमने इन लोगों को बता दिया है कि हालात कुछ कठिन होने वाले हैं? नहीं बापू, मैंने नहीं बताया, जब आप ही सबसे मिलने वाले थे। देखो, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। ये क्या कह रहे हो बाबा? तुम्हें कोई क्यों गिरफ्तार करेगा? तुमने क्या चोरी की है या डाका डाला है? अम्मा, चुप रहे। ले, मैं क्यों चुप करूं? इसे गिरफ्तार करके कोई क्या पावेगा? निर्मला देवी, आप चुप रहो, ये राजनीति है। तू चुप रहे, जाने क्या कहता रहता है। फिर आप हमको तू तू करके बुलाते हो, हम कितनी बार कह चुके हैं कि ये राजनीति है। तू चुप रहे। देखिए, आप लोग झगड़ा ना करें, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई भी जेल जाए। तुम लोग आज शाम होने से पहले ही आश्रम से चले जाओ। ये कैसे हो सकता है बापू? अगर आप जेल जाएंगे तो मैं भी जेल जाऊंगी। लो, भला मैं क्या करूंगी? देखो जी, मैं आज तक जेल ना गई, पर जब तू जेल जाएगी और ये जेल जाएगा तो मैं भी साथ चलूंगी। हम तो पहले से ही कह चुके हैं कि सत अहिंसा करेगा और बाबा के साथ रहेगा। बाबा, हमको आप ही के साथ रहना है। चलो, ये तुम लोगों की मर्जी। सुषमा, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? गांधी को जेल जाने की चिंता न थी, इसकी भी परवाह न थी कि प्रयोग आश्रम उजाड़ दिया जाएगा और उनका कई वर्षों का काम मिट्टी में मिल जाएगा।
गांधी ने जीवन में ऐसा बहुत कुछ देखा था और वे इसके आदि, लेकिन सुषमा की आंखों में गांधी को जो भाव दिखाई पड़े थे वो चिंता में डाल दिए। कौन मुझे पहचाना भी नहीं, मुझे पहचाना भी नहीं। वाह, तुम आज इतने दिनों के बाद। जो जीवन में नहीं कह सकी वही कहने आई हूँ। वो क्या है बा? तुमने मेरे साथ न्याय नहीं किया था। ये तो मैं जानता हूँ बा, पहले कई बार कह भी चुका हूँ, तुमसे माफी भी मांग चुका हूँ। अगर मेरी बात छोड़ दो तो तुमने हर औरत को दुख दिया है, सताया है जो तुम्हारे करीब आई है। तुम क्या कहना चाहती हो बा? अपने आदर्शों प्रयोग की चक्की में तुमने हर औरत को पीसा है। ये तो सत्य के साथ सत्य की खोज में मेरे प्रयोग है बाप। प्रयोग में अपनी बलि दी जाती है, दूसरों की नहीं। तुमने कहा दी अपनी बलि? तू आज भी उतनी ही जहरीली है जितनी की पहले। ना तुम बदले हो और ना मैं बदली हूँ। मैं तुझसे अब भी डरता हूँ बाप। जो तुम्हारे महात्मा होने से नहीं डरता तुम उससे डरते हो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बाप। बहुत सीधी बात करने आई हूँ, स्त्रियों को दुख देना बंद करो। तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ बा। मुझसे माफी मांगकर क्या होगा? तुम्हें तो माफी जयप्रकाश और प्रभा देवी नारायण से मांगनी चाहिए कि तुमने उनके व्यवहार जीवन का सत्यानाश कर दिया। सुशीला से माफी मांगो, मीरा से माफी मांगो जो मेरी सौतन बनी रही, हजारों अपमान झेले और पाया क्यों दूर क्यों हो जाते हो। अपने बेटों से माफी मांगो, देवदास और लक्ष्मी को तुमने तरुलाया है, और ना बताओ आभा और कनु मुन्नालाल और कंचन। बस करो बाप, बस करो। मेरे कुछ सिद्धांत हैं, मेरे कुछ आदर्श हैं। दूसरों की आंखों से भी कभी कुछ देख लिया करो। बा, मैं अपने आदर्शों पर अटल था, स्थिर हूं और हमेशा स्थिर रहूंगा। सुषमा और नवीन के बीच में कौन है? तुम इसलिए दीवार बने खड़े हो कि सुषमा तुम्हें भगवान मानती है? अपने मानने वाले के प्रति तुम्हारे मन में कोई दया नहीं है? बा, मैं किसी को भी यहाँ गला पकड़ के नहीं लेके आता। यहाँ जो आता है अपनी मर्जी से आता है, और एक बार जो यहाँ आ गया उसे यहाँ के नियमों का पालन करना पड़ेगा। मैंने सुषमा को यहाँ नहीं रोका है, वो यहाँ अपनी मर्जी से आई है। तुम जानते हो सुषमा आश्रम छोड़कर नहीं जा सकती, और यही तुम्हारी ताकत है जिसका तुम प्रयोग करते हो। इसे तुम हिंसा नहीं कहोगे, मनोवैज्ञानिक हिंसा कह सकते हो, जिससे तुम दूसरों को मानसिक कष्ट देते हो, और वो भी खुद तुम्हें भगवान समझते हैं। तुम बा नहीं हो, तुम बा नहीं हो। 2000 पन्नों की फाइल, बिहार सरकार के सैकड़ों दफ्तरों का चक्कर लगाती, होम मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री के गलियारों से गुजरती, पीएम सेक्रेटेरिएट पहुंचती है। रिपोर्टों, गवाहों के बयानों, साक्षियों के बाद कानून के सैकड़ों हवालों, संविधान की धाराओं, अफसरों और मंत्रियों के रेकमेंडेशन से भरी पूरी इस फाइल में बिहार सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से इजाजत मांगी है कि क्या मोहनदास करमचंद गांधी, पुत्र करमचंद गांधी को दफा 121, 121 ए, 123, 124 ए और 126 के तहत गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जा सकता है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए यह फैसला करना मुश्किल था, लेकिन कैबिनेट की राय थी कि संविधान और देश की अवमानना के किसी भी मामले में बड़े से बड़े आदमी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, चाहे वह राष्ट्रपिता ही क्यों ना हो। इसके बाद गांधी को प्यारे लाल, पावनदास, सुषमा और निर्मला देवी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ए, क्या ये? बकरी कैसे आ गई अंदर? बाहर ले जाए इसे। ये गांधी बाबा की बकरी है। किसी की भी बकरी हो, कहा ना तुझे एक बार अंदर नहीं आएगी। क्यों ना आएगी? बुटा भूखा मर जाएगा, किसी का दूध पी के तो जिंदा है। इधर ला बकरी की रस्सी। मैं ना दूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। अम्मा दे दे बकरी। बकरी जेल में नहीं जाती, हमको पता है, हम चार चार टोकर जेल जा चुका है। तू चुप रह, बकरी तो अंदर जाएगी। अरे ला, बहुत हो गया तेरा, नहीं तो लेडीज पुलिस बुलाता हूँ। तू क्या छीने गए बकरी, ले पकड़ रस्सी, देखो तड़ कितना दूध पिया है। अरे हवलदार साहब, बकरी तो काफी बार जेल गई है बापों के साथ, जाने दीजिए ना। ठीक है, जाने दो जाने दो। अच्छा जेलर साहब, ये बताइए,
मैंने सुना है नाथूराम गोडसे भी इसी जेल में अपनी सजा काट रहा है। जी हाँ, वो इसी जेल में है। किस वार्ड में है वो? 5 नंबर वार्ड में है। मेरा आपसे निवेदन है, आप मुझे भी 5 नंबर वार्ड दे दीजिए। क्या, पर क्यों? मेरी इच्छा है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। श्रीमान जी, कैदियों को जेल में मांगने से यहाँ वार्ड नहीं मिलते। उसने तो आप पर हमला भी किया है। मिलने की यही तो वजह है। मतलब मैं समझा नहीं, आप उस आदमी के साथ एक वार्ड में क्यों रहना चाहते हैं जिसने आप पर हमला किया था? देखिए, मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ, डायलॉग करना चाहता हूँ। माफ करें, जेल डायलॉग करने का कोई फॉरम नहीं है। डायलॉग करना तो एक इंसान का बुनियादी अधिकार है, आप मुझसे ये अधिकार नहीं छीन सकते। देखिए, मेरी पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि जेल में कानून और व्यवस्था कायम रहे। तो मेरे 5 नंबर वार्ड में जाने से आपके कानून को क्या खतरा है? वो आदमी आप पर फिर से हमला कर सकता है। उसके पास पिस्तौल है? नहीं नहीं, पिस्तौल नहीं है, लेकिन उसके बगैर भी किसी पर हमला किया जा सकता है। देखिए, अगर आप चाहते हैं तो हम आपको लिख कर दे देंगे कि मैं अपनी मर्जी से नाथूराम के वार्ड में जा रहा हूँ। यदि वो मुझ पे हमला करता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। आपके लिख कर देने की कोई कानूनी अहमियत नहीं होगी। देखिए जेलर साहब, आप समझने का प्रयत्न कीजिए, मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये संवाद देश के लिए बहुत जरूरी है। आदरणीय, आप चाहे जो कहें, लेकिन आपको किसी भी हालात में 5 नंबर वार्ड में नहीं भेजा जा सकता। तब तो मेरे पास एक ही रास्ता बचता है। वो क्या? आमरण अनशन। अनशन? नहीं नहीं, ठहरिए महात्मा जी, रुकिए, मैं पूछ के आता हूँ। ठीक है, ऊपर से पूछ लीजिए। ठीक है जी, ठीक है। बापू, आप भी कमाल करते हैं। नहीं नहीं प्यारे लाल, मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी छोटी सी सीधी साधी बातें लोगों की बुद्धि में क्यों नहीं घुसती। मैं कोई अनोखी बात नहीं कर रहा हूँ। बापू, आपकी तो सभी बातें अनोखी ही होती है। अब भला गोडसे के वार्ड में आपके रहने का क्या तुम बनता है? प्यारे लाल, यदि किसी के विचार हमसे भिन्न हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे घृणा करें, और यदि हमारे मन में सच्चाई और साहस है तब हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, और यदि सच्चाई और साहस जीवन में नहीं है तो फिर इस जीवन को जीने का कोई अर्थ भी नहीं। 87 साल के महात्मा गांधी के आमरण अनशन ने पूरे देश को बुला दिया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गांधी से अनशन न करने की अपील की और देश को बताया कि उन्हें वार्ड नंबर 5 में इसलिए नहीं शिफ्ट किया जा रहा क्योंकि वहां उन पर जानलेवा हमला करने वाला नाथूराम गोडसे अपनी सजा काट रहा है। महात्मा गांधी से विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और बाबा आमटे ने अनशन खत्म करने की अपील की, लेकिन गांधी ने किसी की एक न सुनी। जल्दी ही महात्मा की सेहत गिरने लगी और डॉक्टरों ने प्रशासन को चेतावनी दे दी कि अगर जल्दी ही अनशन ना खत्म किया गया तो कुछ भी हो सकता है। मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया गया कि गांधी जी को गोडसे से बातचीत करने का मौका दिया जा सकता है। ये 5 नंबर वार्ड और ये गोडसे की चाट। ठीक है, आप गोडसे के साथ वाली चाट मुझे दे दीजिए। नहीं बापू, साथ वाली नहीं, उसके आगे वाली, साथ वाली मैं दूंगा। नहीं प्यारे लाल, अभी मुझे गोडसे से थोड़ी बात करनी है। नहीं बापू, साथ वाली मैं लूंगा, नहीं तो फिर मैं आपने अनशन करूंगा। चलो ठीक है, गोडसे फिर इनकी चट फिर मेरी चट, आप ठीक है? जी बापू। ठीक है तो मैं चलता हूँ। मिस्टर गोडसे, आपको मालूम है? देखिए जेलर साहब, गांधी को नाटक करने में रुचि है और मेरा नाटक में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बराबर में कौन लेटा है। गोडसे, अगर मेरे यहाँ आने से तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। बहुत मुश्किल से तुमसे बात करने का मौका मिला है। गांधी, एक बात पूछूं, तुम इस वार्ड में मेरे पास आना क्यों चाहते थे? वैसे तो जवाब बहुत लंबा है, लेकिन मैं कम शब्दों में कहने का प्रयास करूँगा। मेरे ऊपर जब तुमने गोली चलाई तो उसके बाद बहुत से लोग तुमसे घृणा करने लगे और बहुत से लोग प्यार भी करने लगे, लेकिन कहा जा सकता है कि घृणा करने वालों की संख्या थोड़ी ज़्यादा थी। हालांकि घृणा करने से कोई फर्क मुझे पड़ता नहीं है, पर मैं प्रेम और घृणा से के बीच से एक नया रास्ता निकालना चाहता हूँ, संवाद का रास्ता। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जरूर करो गांधी, अब तो हमारा देश आज़ाद है, सबको बातचीत करने की आज़ादी है। लेकिन गांधी, ये समझकर कतई ना करना कि मेरे विचार कच्ची मट्टी के खड़े हैं। ये तो मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ गोडसे,
और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बहुत साहसी हो। यदि तुम में साहस ना होता तो तुम हरी सभा में मुझ पर गोली नहीं चलाते और उसके बाद तो तुमने आत्मसमर्पण भी किया। गांधी तुमने ये ठीक कहा, मैंने जो कुछ भी किया था अपने लिए नहीं किया था। मेरी तुमसे न कोई निजी दुश्मनी थी और न है। मैं तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान अर्थात हिंदुत्व को बचाने के लिए तुम्हारी हत्या करना चाहता था गांधी। मैं खुश हूँ गुड से कि तुम सच बोल रहे हो। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है गांधी, मैंने अदालत में भी यही बात कही थी। यही तो समस्या है, अदालत में संवाद नहीं किया जा सकता, सिर्फ बयान और जिरह की जा सकती है। यदि संवाद होता तो क्या पूछते गांधी? सवाल तो गोडसे मैं तुमसे एक ही पूछता हूँ कि हिंदू शब्द से तुम्हारा मतलब क्या है? ना तो ये शब्द वेदों और पुराणों में कहीं आता है और ना ही शास्त्रों में इसकी व्याख्या है। हाँ, इतना जरूर कहा गया है कि हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो देश है उसे भारतवर्ष कहते हैं और यहाँ रहने वालों को भारतवासी। गांधी, हिंदू शब्द बहुत प्राचीन है। यह भ्रम फैलाया गया है कि हिंदू शब्द विदेशियों ने लिया था। तुमने प्रश्न किया है इसलिए उत्तर दे रहा हूं कि मैं हिंदू शब्द से क्या मतलब लेता हूं। मैं वैदिक धर्म और उसकी संस्थाओं पर विश्वास करने वालों को हिंदू मानता हूं और सिंधु नदी के पूर्व में जिस धरती पर हिंदू बसते हैं वह हिंदुस्तान है। तुम हिंदुस्तान से प्रेम करते हो गॉड से? तुमने हिंदुस्तान देखा है क्या? तुमने सिंधु से लेकर असम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान देखा है? गांधी, जो कहना चाहते हो साफ साफ करो। देखो, 1915 में जब मैं पहली बार भारत आया था दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद, तब मेरे गुरु महामना गोखले ने मुझसे कहा था कि इस देश में कुछ भी करने से पहले इस देश को अच्छी तरह जान। तब एक साल तक मैंने पूरे देश का भ्रमण किया और उसके बाद जो मैंने जाना वो जानकर मैं चकित रह गया। इसे जिसे तुम एक देश कहते हो, हिंदुस्तान कहते हो, वो एक छोटा सा देश नहीं है, एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो एक महासमुद्र है, वो अपने आप में एक संसार है और यहाँ जो कोई भी रहता है वो हिंदुस्तानी है। यह गलत है गांधी, हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का देश है। तुम हिंदुत्व को छोटा कर रहे हो। ईश्वर की कितनी कृपा रही है इस देश पर। तो सैकड़ों साल की गुलामी को बापू गांधी ईश्वर की कृपा मानते हैं क्यों? गुलामी सिर्फ शरीर की होती है, मन और आत्मा को कभी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। राम ने अपना विस्तार ही किया है। अरे तुम्हें राम से क्या लेना देना गांधी, तुमने तो राम और रहीम को ही मिला दिया। ईश्वर और अल्लाह को तो तुम एक ही मानते हो क्यों? हाँ गुडसे, मैं वही कह रहा हूँ जो इस देश के ऋषि महर्षि हजारों साल से कह रहे हैं, एकता और समन्वय। समन्वय, यह शब्द, इस शब्द से मैं घृणा करता हूँ। गांधी, हम विशुद्ध हिंदू हैं, हमारा घर और संस्कार सब विशुद्ध है, हमें हिंदू होने पर गर्व है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोत्तम हैं। ईश्वर तुम्हें शांति दे। देश की संसद में विरोधी दल के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ये शंका जताई कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे को एक वार्ड में रखना खतरनाक हो सकता है। नेशनल हेरल्ड के संपादक केलापति राव ने लिखा कि गांधी कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो उनका सत्य के साथ सबसे बड़ा प्रयोग हो सकता है। संसद और अखबारों से होती हुई यह चर्चा देश के मोहल्लों और गलियों में फैल गई। लेकिन वार्ड नंबर 5 में जीवन अपनी सामान्य गति से चलता रहा। ले भाई, दूध पी। शुक्रिया। ये तो वही है ना जिन्हें गांधी पार्टी चलाई थी। देखने में तो भला चंगा लगे है। कोई भला गांधी को क्यों मारना चाहता था? देख कितनी जान बची है, एक हड्डी का तो है। महात्मा तुम्हें निराला ही है, अपने ही कातिल के साथ। प्यारे लाल, बहन जी को ले जाओ और कल से दूध तुम लेके आना। और सुनो, 2 गिलास लेके आना। ए महात्मा, तेरी तो मत्ती मारी गई है, सांप को दूध पिला रहे सांप को। तुम लोग अब जाओ यहाँ। माफी चाहता हूँ नाथूराम, अनपढ़ औरत है, न जाने तुम्हें क्या क्या बोल गई। माफी की कोई जरूरत नहीं है गांधी, देश के बहुत से भोले भाले लोगों को ये नहीं मालूम कि तुम हिंदू विरोधी। वो कैसे? एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं इसके। और सबसे बड़ा तो ये है कि तुमने पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी सहमति दे दी जबकि तुमने कहा था कि पाकिस्तान तुम्हारी लाश पर बनेगा। तुम सही कह रहे हो, लेकिन सावरकर ने भी तो कहा था
कि वो खून की अंतिम बूंद तक पाकिस्तान का विरोध करें।